खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां आगरा के शाहगंज निवासी दीपक कुमार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ के लिए अपने परिवार के साथ पैदल ही निकल पड़ा। आपको बताते चलें, बीते वर्ष में दीपक कुमार ने सूदखोर से परेशान होकर उसने और उसकी पत्नी ने विषैले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और दोषी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की। दीपक ने बताया, सूदखोर आए दिन मेरे घर पर आकर धमकियां दे रहे हैं। मैंने लॉकडाउन से पहले उनसे 1,15,000 रुपया लिया था, जिसका 1,50,000 रुपया मैं अपना मकान गिरवी रखकर अदा भी कर चुका हूं। अभी भी वो 5 से 6 लाख रुपए बता रहे हैं। आए दिन मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को, मुझे और मेरे बच्चों को धमकाते रहते हैं। कई बार हमने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। सूदखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जरूरतमंदों को पैसा देकर मनमानी वसूली करते हैं। इन सब से मैं परेशान होकर अपनी पत्नी खुशी, 13 वर्षीय सोना, 11 वर्षीय समीर, 7 वर्षीय और 8 माह के बच्ची के साथ हम रात्रि 1 बजे से शाहगंज आगरा से निकलकर लखनऊ सीएम से अपना दर्द बयां करेंगे, उनसे ही न्याय की गुहार लगाएंगे। पूरा मामला सूदखोरों के खिलाफ है। आगरा के जो सूदखोर हैं, उन्होंने मेरे को 2.5 साल से परेशान कर रहे हैं। मेरे को रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। मैं और मेरा परिवार पहले भी 2020 में आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। हमने जहर खाया था पूरे परिवार ने, तो उसमें जे जेल भी गए थे सूदखोर लोग, और अब भी मेरे को तंग कर रहे हैं। जगह जगह पे मेरी गाड़ी रोकते हैं, मेरे परेशान करते हैं। मैंने न्यायालय में भी दुआ दी और मैंने SSP सिटी को भी दुआ दी। उन्होंने बहुत मदद करी, लेकिन वो कुछ नेता लोग के कारण वो भी दबाव में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने और मेरे बच्चों ने डिसाइड करा कि हम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ तक पैदल तक मार्च करेंगे, चाहे हमारी रास्ते में ही मौत हो जाए। इसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हम वैसे ही वहाँ पर मरे हुए हैं तो रास्ते में मर जाएंगे उनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस योगी आदित्यनाथ जी से एक ही वो है कि एक बार हमारी प्रार्थना सुने और हमारे साथ इंसाफ करें। आपने आगरा के आला अधिकारियों को ये बताया? हाँ, आगरा के बड़े अधिकारियों को मैंने बताया, बड़े अधिकारियों मेरे को आश्वासन मिलता है और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा निर्णय करा था। लेकिन जो है कि वो बहुत ऊंचे दर्जे पे सूदखोर हैं, बहुत ऊंचे दर्जे पे दबंग इंसान हैं, तो कभी कभी अधिकारी भी दब जाता है किसी कारण। उनकी सुलिन सागर, मुकेश सागर, बबलू सागर और सहदेव। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।